जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का यूट्यूब चैनल अमिठी ब्लॉग में। दोस्तों, मैं हूं अंकुर तिवारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमिठी ब्लॉग। जैसा कि आज हम दो तीन पॉइंट पे बात करेंगे, एक पॉइंट ये है कि बहुत लोगों के जो है कमेंट्स आ रहे हैं वो इस मैटर पे आ रहे हैं कि भाई देखिए, जो है सबको जो है 500-500 रुपये जो है भी आए जनधन खाता में, जो भी महिलाएं थी उनके अकाउंट में जो है मोदी जी ने जो है पर मंथ जो है 500-500 रुपये जो है भेज रहे हैं, उनकी तरफ से एक स्कीम है। और हमारे जो वैक्सीनेटर भाई हैं दिन रात, अब रात का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ होनहार हैं जो अभी जो है भाई भाई अभी हंसी आ रही है ग्रुप पे जो है, अभी किसी ने जो है एक पिक डाला था उसमें जो है सींगे उखड़ गई थी, तो वो ये चीज दिखा रहे थे कि अगर अगर पैसा नहीं दिया तो ये जो है जितने पशु हैं उनकी सींग भी नहीं बचेगी, समझ लीजिए कुछ तो इसमें बंदर भर्ती हो गए हैं। तो और कुछ जो है वरिष्ठ डॉक्टर्स और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सज्जन जुड़े हुए हैं इस काम से। तो खैर, आते हैं मुद्दे की बात पे। तो मुद्दा ये है कि सबके अकाउंट में जो है 500-500 रुपये जो है दिए गए, लेकिन ना तो सरकार ने इस मैटर पे देखा, ना कोई न्यूज, ना कोई मीडिया, ना कोई यूट्यूब चैनल इस चीज को बिल्कुल नहीं बता रहा है कि उनको भी मिलना चाहिए। कोरोना इतना जो है घातक रूप से समय चल रहा है, जानलेवा है, तुरंत ही जान लेता है, उसमें भी जो है ये लोग फील्ड पे काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, जो है जाते हैं, मेहनत करते हैं। पशुओं के साथ काम करना वैसे भी बहुत ही मेहनत का काम होता है, सबको पता है। और या फिर जिसने ये 2-3 रुपये फिक्स किए हैं, वो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि उसने जो जरूर कभी जो है पशुओं के बारे में उसको जानकारी नहीं थी, वरना वो इतना कम पैसा ना रखता, ये बात तो श्योर है। तो जो बाहर बैठे हैं, बड़े बड़े जो है शहरों में बैठे हैं, वहां से सैलरी हमारे देश की इतनी अर्थ इसको क्या कहें व्यवस्था को, कि वहां से फिक्स होती है, यहाँ अभी जो है किसी को जो है पता नहीं है कि किस हिसाब से जो है मेहनत होता है, किस हिसाब से जो है वर्क होता है फील्ड पर। और उसके बाद में एक कहीं ना कहीं पशुओं के साथ काम करना तो बहुत ही जो है डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें जो है उन लोगों को नहीं पता। और ना ज़्यादा दिया जाता तो बात कमेंट में जो भी मिल रही है मुझे दोस्तों की, वो हमारे वैक्सीनेटर भाइयों की, वो हमें भी सही लग रही है कि भाई ना ज़्यादा दिया जाए तो वो 500-500 रुपये यार इनको भी देना चाहिए था, इन लोगों को भी देना चाहिए था, या फिर इनको जो है ज़्यादा देना चाहिए था, क्योंकि ये लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं और सरकार का ही काम कर रहे हैं, पशुओं के साथ काम कर रहे हैं, पशु की तरह काम कर रहे हैं। तो इनके बारे में जो है सरकार को सोचना चाहिए। अगर कोई भी अधिकारी इस बात को सुनता है, ये वीडियो सुनता है, देखता है, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ा है, या हमारे पत्रकार भाई हैं जो भी किसी भी जो है चैनल के रिपोर्टर अगर हमारे इस वीडियो को देखते हैं, तो अपने अपने न्यूज़ चैनलों पर कम से कम वैक्सीनेटरों के दर्द को भी साझा करें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो नेता करें वही चीज़ दिखाई जाए। एक छोटी छोटी जगहों से भी आप देखिए, थोड़ा सा छोटे छोटे चीज़ों में भी देखने आप दर्द देखने की कोशिश कीजिए, ये बेचारे किस प्रकार से जो है वर्क करते हैं, लेकिन इनका जो है कोई भी सुनने वाला नहीं है। और जो सैलरी है वो भी अभी जो है नहीं आ रही है इनको, 8-8 जो है 4-4 महीने हो गए 5-5 महीने काम करते हुए। तो अगर कोई भी हमारा वीडियो पत्रकार बंधु देखता है, या फिर उसके बाद में कोई भी सरकार सत्ता का ये चीज़ देख रहा है ये वीडियो, तो इनके बारे में विचार करें। मैं बड़ी ही विनम्रता पूर्वक आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जो है इनके बारे में भी सोचा जाए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे तो देना होता तो अभी तक तो मैं दे देता, लेकिन जो भी मैं कर सकता हूँ बंधुओं आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, और आपकी जो है बातों को मैं वीडियो के माध्यम से यहाँ लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन करना ना करना तो ऊपर वालों का काम है। अब देखो ऊपर वाले कब तक ऊपर वाले रहेंगे, कब कभी जमीन पे आते हैं कि हमेशा वो ऊपर ही रहेंगे। इस चीज से बिल्कुल एक दर्द होता है कि यार देखो, मतलब जितने लोग हैं सब गांव देहात से हैं, तो उनके साथ जो है थोड़ा सा अन्याय होता है, तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी इसी जो है जमीन से हूँ, इसी गाँव की मिट्टी से हूँ, तो कहीं ना कहीं इस चीज हमें अच्छी नहीं लगती।
ज्यादा बोल दूं अगर मैं तो हो सकता है मेरा इनकाउंटर ही हो जाए। क्या कहें इस देश की व्यवस्था को, मेरा देश है उसको भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेरा ही देश है। और अपने भारत के लिए मैं जो है जान तक दे सकता हूँ तो उसको जो है मैं बुरा नहीं बोल सकता हूँ। मेरा देश बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये नेता नगरी है, गड़बड़ी है, ये करते हैं सब, दोषी ये हैं। लेकिन ये चीज़ जान लीजिए कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। वो चाहे सत्ता में बैठा कितना भी बड़ा सत्ताधारी हो, सबका समय जो है बराबर नहीं चलता है। जब समय पलटेगा तो आप एकदम से बिथरा जाएंगे, छितरा जाएंगे। तो इसलिए जो है किसी के साथ अन्याय ना कीजिए। अगर कोई वीडियो को देखता है हमारे तो इस पर विचार करे और मेरे वैक्सीनेटर बंधुओं भाइयों को उचित सैलरी जो है दी जाए ताकि इनका जो है जीवन यापन हो सके। बस इतना ही कहना चाहूँगा और अब आज कहने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है ज़्यादा क्योंकि चिल्लाते चिल्लाते अब फेफड़ा सूखने लगा है। देखो कब तक हम चिल्लाएंगे।